हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो हाल है, कसकाई के मुनाचो, कैसे हैं आप सब। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल फ्री की ट्रैवलर पे। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का ये वीडियो होने वाला है एक CUET 2023 से रिलेटेड एक वीडियो। तो इस वीडियो में हम आपको सारे टिप्स देने वाले हैं, काफ़ी सारे बच्चों से मिलवाएंगे आपको इस वीडियो में, अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे होंगे। तो ये वीडियो CUET 2023 एस्पिरेंट्स के लिए ही बना हुआ है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तो क्योंकि हमें नहीं पता आपको किस बच्चे की कौन सी टिप कब काम आ जाए, तो सारी टिप्स लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो से, और स्टे ट्यून्ड, और कमेंट करके भी आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं जो बच्चों ने टिप्स में ना बताई हो, उसका भी हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हेलो गाइस, आई एम अर्चिशिया दास एंड आई एम फ्रॉम लेडी श्रीराम कॉलेज। सो फॉर 2023 CUET एग्जाम, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ स्मॉल टिप दैट be consistent and patient throughout the process. It will take you almost 3 to 4 months to reach your dream university, and throughout the process you need to be patient and consistent. And the most important tip is that do not panic before the exam. The exam is going to be super easy only if you are following your NCERT thoroughly as well as you are clear with your concepts. So yeah, do not panic and best of luck for your exam. हेलो, 12th ग्रेड और 11th ग्रेड और जितने भी एस्पिरेशनल लोग हैं ज़्यादा, मैं सुंदरम हूँ, मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से हूँ। तो यार, पहली चीज़ तो भाई, अगर बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो ठीक से, तो आई डोंट थिंक अलग से कुछ नेसेसरी है। आई वुडेंट सजेस्ट गोइंग आफ्टर लाइक यू नो गोइंग एंड ज्वाइनिंग दीज टेस्ट प्रेप सेंटर्स। मे बी अगर आप जनरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो मे बी शायद आप कोई कर सकते हो, अदरवाइज लेकिन जो CUET का मेन सब्जेक्ट सिलेबस है उसको आप खुद से कवर कर सकते हैं बेस्ड ऑन द यू नो द ये स्कूल लेक्चर्स ओनली, है ना, क्योंकि जो उसमें पढ़ाएंगे वही आने वाला है। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जो लाइक स्पेशल सजेशन है वो कि BST इको वाले टाइप्स में क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व करना, बिकॉज केस स्टडीज में टाइम लग सकता है आपको। और अदर देन दैट, आई डोंट थिंक आपको अलग से प्रिपरेशन की जरूरत है। ऑफकोर्स आफ्टर यू डन विद योर बोर्ड एग्जामिनेशन, फर्स्ट यू शुड प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करो, जैसे नॉर्मली करते वैसे करो। वेन यू डन विद दैट, आपके पास 1-1.5 महीने का शायद समय है, अगर मैंने ठीक से डेट शीट चेक नहीं किया, अगर है तो आप उसमें कोई भी ऑनलाइन अवेलेबल है, कंटेंट होगा बहुत सारा जिसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कवर कर सकते हो। एंड होपफुली आप लोग दिखो मेरे को इस साल। चलो, ऑल द बेस्ट। हाय, आई एम दीक्षा फ्रॉम DRC। आई एम सारा फ्रॉम LBC। आई एम किरण फ्रॉम DRC। आई एम चारू फ्रॉम SG। NCERT पढ़ लो। हाँ, NCERT पढ़ लो अच्छे से, वही काफ़ी है। यूनिट पे बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। एंड NTA अभ्यास आप वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। मैनेजमेंट कर लेना, इजी हो जाएगा। तो टाइम अच्छे से मैनेज करना, एंड नेगेटिव मार्किंग भी है तो उसका भी ध्यान रखना। थैंक यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सो हाई एवरी वन, माई सेल्फ शेखर सिंह एंड आई एम फ्रॉम हंसराज कॉलेज। सो एज CUET इज कमिंग अगेन, सो आई वुड लाइक टू गिव सम टिप्स टू यू ऑल। Don't take this exam, it's like it's very hard, it's very easy, it's normal. Take chill and give your all best. I would say, because see, there is not even a single question out of NCERT. If you are completely prepared with NCERT, then you will just top the exam and you will get your dream college. And bus, take chill and all the best. Hello everyone, my name is Naman Gupta, I am from Hindu College. तो बेसिकली माय टिप फॉर योर CUET एग्जाम्स वुड बी कि मतलब जैसे देखो, इंडिया में 3 बोर्ड के लोग होते हैं, या तो CBSE या ICSE या स्टेट बोर्ड। तो अगर आप CBSE से हो तो डेफिनेटली आपको कोई कोचिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप अपने बोर्ड एग्जाम्स पर फोकस कीजिए, आप CUET का सिलेबस ऑटोमेटिकली कवर करोगे। लेकिन अगर आप ICSE बोर्ड से हो तो आपको थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली CUET CBSE पैटर्न फॉलो करता है। स्पेशली मैथ्स में आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स का पेपर ऐसे भी डिफिकल्ट आता है। तो ICSE वालों को स्पेशली मैथ्स पे तो फोकस करना ही चाहिए, और बाकी सब्जेक्ट्स को CBSE पैटर्न से फॉलो करना चाहिए। काफ़ी चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं होती जो CBSE में होती हैं। और स्टेट बोर्ड वालों के लिए भी वही यही सेम एडवाइस अप्लाई करेगी जो ICSE वालों के लिए हैं। ओवरऑल आप सिर्फ हमारा पेपर फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि हमारा पेपर काफ़ी ईजी आया था इस साल से, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड्स बढ़ने चाहिए। और मैथ्स के ऊपर स्पेशल फोकस रखिएगा, क्योंकि मैथ्स का पेपर डिफिकल्ट आता है। कोर मैथ्स वालों इस चीज़ की ध्यान रखना, नहीं तो बाद में पछताओगे। सो बेस्ट ऑफ लक। हाय पीपल, तो हम जैस्मिन हंसराज कॉलेज से,
हम भी उन बदनसीबों में से हैं जिन्होंने CUET दिया, बट CUET कई लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा है। CUET के कुछ टिप्स जो मेरे अकॉर्डिंग मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहे हैं कि एक तो ये बात कि डोंट टेक CUET वेरी लीनियंटली, ओके, टेक इट सीरियसली। टाइम निकल जाता है और पता नहीं लगता कौन सा सिलेबस हो गया कौन सा नहीं हुआ। आई एम फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, सो आर्ट्स की हिस्ट्री की तीन बुक्स थी, पॉल साइंस की दो थी। पूरा गो थ्रू होना, एक छोटी छोटी डिटेल पढ़ना काफ़ी हेक्टिक रहा है, और इसलिए कंटिन्यूटी में रहें, कंसिस्टेंट रहें। सेकंड ट्रिक है, इसको इतना हाइप करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर को नॉर्मल कॉम्पिटिटिव पेपर है, पूरी मेहनत से करोगे तो हो जाएगा। और अभी अपने कॉलेज की टेंशन मत लो, पेपर अच्छा जाएगा तो कॉलेज भी अच्छा मिलेगा। सिर्फ अभी पढ़ने पे कंसंट्रेट करके और बिना किसी टेंशन लेके पढ़ो, हो जाएगा। गाइस, आई एम सुजल कुमार, रामदास कॉलेज। आई वुड से कीप इट सिंपल, फोकस ऑन योर डोमेन सब्जेक्ट्स। मैथ्स टफ आता है, आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, सो स्पेशली विथ लाइक अकाउंटेंसी लोगों को लगता है यू हैव टू प्रैक्टिस दोज लॉन्ग फॉर्म कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो क्वेश्चन वो एक्चुअली उतने नहीं आते। यू आर प्रॉब्ली ओनली गोइंग टू गेट लाइक वन डिफिकल्ट प्रैक्टिकल 5 marks का। सो आई वुड से डोंट निगलेक्ट थियरी, बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं, लास्ट ईयर भी करी थी। आई से जस्ट प्रैक्टिस लास्ट ईयर के पेपर्स, वी डिडंट हैव द क्लैरिटी दैट यू गाइस हैव। प्रैक्टिस लास्ट ईयर के पेपर्स, प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। इफ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट एट द एंड, यू हैव द प्रिविलेज टू पिक एंड चूज कि आपको कौन से क्वेश्चन करने कौन से नहीं करने, विच इज़ ह्यूज। लाइक दैट कैन डिटर्मिन विच कॉलेज एंड विच कोर्स यू गेट प्लेस्ड इनटू। And keep it simple, especially if you're in CBSE, a lot of courses overlapping, don't stress about it too much, you'll be fine. All the best. Hello everyone, आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी CUET क्रैक करने के टिप्स आप लोग मांग रहे थे, तो मेरा आपको यही बस एक ही टिप मैं आपको दूंगा, आप अपना सिलेबस फॉलो करिए, NCERT अच्छे से पढ़िए और उसी में से अपने से क्वेश्चंस के आंसर बना के लिखिए, और दैट इज़ इनफ। आप किसी को फॉलो ना करिए, अगर 1-2 मिनट की इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो लोग छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देने के लिए 1-1 घंटे के लिए वीडियो बना रहे हैं, जिनका सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल वगैरह है, आप उनको बिल्कुल मत ज्वाइन करिए और फॉलो करिए। बस यही मेरी टिप्स है, बाकी बेस्ट ऑफ लक। मेरा नाम पार्थ है और मैं हिंदू कॉलेज में। मैं चाहूँगा कि आप CUET देने वाले हो और जो साइंस के बच्चे हैं उनको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा मत मेहनत करना, इतना कुछ होता नहीं है, बस ज़्यादा फोकस करना बायोलॉजी पर, केमिस्ट्री पर, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स वैसे ही बहुत डिफिकल्ट आती है, उसमें आप जितना स्कोर कर सकते हो उतना कर लो, और बाकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री में करना जितना करना। ऑल द बेस्ट। एवरीवन, मैं हेमंत मिश्रा हंसराज कॉलेज से, और आज आप सभी को कुछ ना कुछ टिप्स देने वाला हूँ CUET के थ्रू, जिसको मैंने फॉलो किया और आप भी इसको फॉलो करें, क्या पता आगे आपका सिलेक्शन नॉर्थ कैंपस कॉलेज में हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा CUET का जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो सीधा 3 domain, मतलब 3 आपके सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने पहले पढ़ रखे, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे ह्यूमैनिटीज हो, और एक लैंग्वेज कोई भी आपको चूज़ करनी हो, हिंदी या फिर इंग्लिश इन जनरली। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक ऐसी लैंग्वेज चूज़ करनी है, जैसे मैंने हिंदी चूज़ करी थी तो मेरे को हिंदी ज़्यादा सरल लगती थी। आपने यहाँ सत्य प्रदर्शन नहीं करना कि इंग्लिश लेंगे कि हिंदी लेंगे, जिसमें आपका ज़्यादा बेटर स्कोर कर पाते हैं आप उसे चूज़ करिए, बहुत ईजी लैंग्वेज भी होता है पर कोई भी हो। उसके बाद आता है डोमेन्स में, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं। अब सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही लगेगी, अब आप सोचेंगे कि आपका इंटरेस्ट किधर है और आप कमांड कहाँ पर कर पाते हैं, तो आपको इंटरेस्ट को नहीं देखना, आपने देखना है कि आपकी कमांड कहाँ पर ज़्यादा बेटर है। लेटेस्टली जैसे अगर कोई ह्यूमैनिटीज़ का है, किसी की ज्योग्राफी बहुत अच्छी होती है, हिस्ट्री कमज़ोर होती है, किसी का पॉल साइंस बहुत अच्छा होता है, पर किसी का इंटरेस्ट होता है कि इकोनॉमिक्स, तो आपको उसको फॉलो नहीं करना, आपने करना है आपकी कमांड का है, आप चाहते हैं किस में स्कोर, किस में आप अच्छा कर पाते, आपको वो 3 main subject लेने और सिंपली फिर आपको फॉलो करना है NCERT को। आप NCERT के थ्रू 3rd ले पढ़िए, उसी से आपका पूरा एग्जाम क्लियर होगा, जो मैंने किया है वही मैं आपको बता रहा हूँ, सजेस्ट करता हूँ, दैट्स इट। हेलो एवरीवन, मैं युगम खुराना हंसराज कॉलेज से BCOM ऑनर्स कर रहा हूँ। सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा, मतलब कईयों के लिए तो होगा, स्पेशली कॉमर्स वालों के लिए, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना, क्योंकि वहाँ पे जाके जो फॉर्मेट होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, अगर वो ना समझ आए तो काफ़ी दिक्कत आएगी। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए जो मैंने एक्सपीरियंस किया, यूजुअली एंड में क्वेश्चंस ईजियर होते हैं, तो स्टार्टिंग पे टाइम मत वेस्ट करना, अगर क्वेश्चंस मुश्किल आ रहे हैं या
गलत भी हो सकते हैं क्वेश्चंस, तो अगर आंसर नहीं भी आया ज़्यादा टाइम मत लगाना, एंड के क्वेश्चंस यूजुअली ईजियर होते हैं। और ऐसा मत करना कि किसी आंसर के बारे में अनश्योर हो, ये सोच के टिक कर दो कि पता नहीं आगे वाले आते होंगे या नहीं, क्योंकि जब आप आगे जाओगे अब वो आपको 40 क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करने दे रहा। अगर आपको आगे जाके लग रहा है कि मैं इसके बारे में श्योर हूँ, पिछले वाले के बारे में अनश्योर था, तो आपको वो क्वेश्चन पे वापस जाके उसको अनसिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ आके फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो उन ऑप्शंस का अच्छे से यूज़ करना, सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू कर देना जिसके बारे में अनश्योर हो, अटैम्प्ट मत करना। आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स और सीयूटी के लिए ऑल द बेस्ट। हे गाइस, वेरी वन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ वारन राठौर फ्रॉम हंसराज कॉलेज। जैसा गाइस, मैं अपने एक्सपीरियंस पे आपको टिप ये देना चाहूँगा कि भाई जैसा भी हो सारी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े, सब कुछ उसी से आएगा, पेपर पास आउट होता नहीं है। हमने सीयूटी दिया है, हमको मालूम है कैसा होता है, पास्ट एक्सपीरियंस है हमारा। और जितना हो सके आप जो भी सब्जेक्ट आप चूज करें डोमेन अच्छे से फॉर्म बने, सब कुछ पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन रखें। और तो और कोई भी सीयूटी के रिगार्डिंग कॉलेज एलोकेशन काउंसलिंग वगैरह वगैरह सब के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स अपने पास रखें, इससे कोई इनकन्वीनियंस ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करें और अच्छे से पढ़ें, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ईजी नहीं होगा। मैंने भी ये टाइम देखा है, टाइम निकल जाएगा, आएगा, सो नो नीड टू वरी ऑल ऑफ यू। हेलो गाइस, आई एम हरी उमराय फ्रॉम वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, हंसराज कॉलेज। तो मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों को कुछ सीयूईटी रिलेटेड टिप्स शेयर करने के लिए, ताकि आप इजीली अपना एग्ज़ाम से गो थ्रू कर सकें और अपने मनचाहे कॉलेज में जा सकें। सबसे पहली बात तो ये है कि इस एग्ज़ाम को लेकर आप बिल्कुल पैनिक ना हो, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन की एज में था तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा कोई भी अपडेट आई तो मैं तुरंत यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो एक ही टॉपिक के ऊपर 6-7 वीडियोस देख रहे हैं। तो इस तरीके से कोई भी पैनिक ना करें, कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है बस उसे ही फॉलो करें। बाकी इसके लिए मेरा ये मानना है कि आपको कहीं पे भी इधर उधर कंटेंट के लिए नहीं भागना है पढ़ाई के लिए, बस जो कुछ भी आपकी जो प्रॉपर एनसीईआरटीज हैं, जो सिलेबस है इसका सीयूईटी का, आपको उसी को फॉलो करना है। मतलब मैंने भी पहले स्टार्टिंग में कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर ली थी, लेकिन उनका कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, क्योंकि जो कुछ भी एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम बहुत लाइट आता है, उतना हार्ड नहीं आता है। और सब जो सिलेबस आपने जो 12th में पढ़ा हुआ है और जो सीयूईटी में जो सिलेबस गिवन है उसी के थ्रू आता है, तो आपको बिल्कुल भी इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है और इधर उधर कोचिंग से मटेरियल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज के इस पूरे वीडियो में। आशा है कि आपको बच्चों की टिप्स पसंद आई होंगी। तो जितनी भी हमने टिप्स दी हैं आपको, वो आप फॉलो कर सकते हैं अपने सीयूईटी अटेम्प्ट में, और काफ़ी मदद होने वाली है आपको इन टिप्स से। तो अगर आपको इन टिप्स के अलावा या किसी स्पेसिफिक बच्चे से, किसी कॉलेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमारे बच्चे, या हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे क्वेरीज़ का। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जितनी से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं हम उतनी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी। तो बस आपका एक ही काम है, आप चैनल पर बने रहें, हम ऐसे वीडियोस और लाते रहेंगे आने वाले टाइम में सीयूईटी 2023 से रिलेटेड, और यूनिवर्सिटी अपडेट्स भी लाते रहेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल पे नए हैं आप तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखें, जिससे हमारे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच रहे होंगे। तो स्टे ट्यून्ड, अब आपसे मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।